WPL का फाइनल मुकाबला कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। WPL फाइनल में अब क्या IPL का इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं, फाइनल मुकाबले में क्या होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और फैंटेसी 11 में आप किन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव, इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। IPL के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसे शुरुआत से ही सीजन की सबसे कमजोर टीम माना जा रहा था। WPL के शुरुआती सीजन में भी मुंबई इंडियंस को फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स कल टाइटल मैच जीत जाती है तो एक बार फिर IPL का इतिहास WPL में दोहराया जाएगा। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ हार का मुंह देखने के बाद मुंबई ने जैसे अपनी लय ही खो दी। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई ने जीत भले ही हासिल कर ली हो, लेकिन टीम की वो फॉर्म अभी भी कुछ मिसिंग दिख रही है जो कि सीजन के शुरुआत में दिख रही थी। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत पिछले कुछ मैचों से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, ऐसे में टीम को टॉप ऑर्डर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके उलट अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ये टीम शुरुआती मैचों में कुछ लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन सीजन के आखिरी तक आते आते टीम ने शानदार लय हासिल कर ली है। इस टीम ने पॉइंट्स टेबल में टॉप कर WPL फाइनल्स में सीधे अपनी जगह बनाई है। दिल्ली के लिए उनकी कप्तान मैग्लेनिंग और ऑलराउंडर मैरिसन कैप ने शानदार प्रदर्शन किया है। खैर अब कल देखते हैं कि कल कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। अब नजर डालते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो इस टीम के लिए कप्तान मैग्लेनिंग और शेफाली वर्मा ओपनिंग करती हुई नजर आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर आपको जेमिमा रॉड्रिग्स दिखाई देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर स्टार ऑलराउंडर मैरिसन कैप और पांचवें स्थान पर एलिस कैप्सी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद छठे नंबर पर आपको जेस जॉनसन और फिर सातवें नंबर पर आपको अरुंधति रेड्डी दिखाई देंगे। इसके बाद विकेट कीपर तान्या भागी आठवें नंबर पर और नौवें स्थान पर शिखा पांडे आपको दिखाई देंगे। इसके बाद दसवें स्थान पर राधा यादव और ग्यारहवें नंबर पर आपको पूनम यादव दिखाई देंगे। अब बात करें अगर मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 के बारे में, इस टीम के लिए हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया ओपनिंग करती हुई नजर आएंगी। वहीं तीसरे नंबर पर आपको पिछले मैच में रनों का अंबार लगाने वाली नेटसाइवर ब्रंट दिखाई देंगी। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको कप्तान हरमनप्रीत कौर और पांचवें स्थान पर मेलिकेयर दिखाई देंगे। इसके बाद छठे स्थान पर पूजा वस्त्राकर और फिर सातवें नंबर पर आपको इसी वॉन्ग दिखाई देंगे। इसके बाद आठवें नंबर पर अमनजोत कौर और नौवें स्थान पर हुमायरा काजी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको दसवें नंबर पर चिंतीमणि कलीता और ग्यारहवें नंबर पर आपको साइका इशाक दिखाई देंगे। अब ये तो हो गई प्लेइंग 11 की बात, अब बात करते हैं उन 11 प्लेयर्स के बारे में जिन्हें आप अपनी फैंटेसी 11 टीम में शामिल कर सकते हैं और करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। तो सबसे पहले आप विकेट कीपर के रूप में अपनी टीम में यास्तिका भाटिया को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बल्लेबाजों में आप मैग्लेनिंग और शेफाली वर्मा को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब बात करें अगर ऑलराउंडर्स की, तो आप अपनी टीम में मैरिसन कैप, एलिस कैप्सी, नेट साइवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज और मेली कैर को जगह दे सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजों में आप इसी वोंग, जेस जॉनसन और शिखा पांडे को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। आप नेट साइवर ब्रंट को इस टीम का कप्तान और मैरिसन कैप को इस टीम का उप कप्तान बना सकते हैं। तो बनाएंगे अपनी टीम, हम आगे भी आपसे इसी तरह के क्रिकेट अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।